प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा सातवीं ज्ञान सागर के पहले पाठ का शेष भाग तथा उसका प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। उड़ी पतंगे पौष में बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियां भर जाते सब शोर से। ये दसवां महीना है हिंदी का, पौष का महीना। इस महीने में बच्चे पतंग उड़ाते हैं तथा गली और मोहल्लों में उनके दौड़ने के, पतंग को पकड़ने की, उनको उड़ाने की, हल्ला करने का शोर सुनाई देता है। इसके बाद ग्यारहवां महीना है माघ का, जिसमें अत्यधिक ठंडक रहती है। माघ महीना भर देता मन में नई उमंग है, कहीं मजीरे झांझ कहीं बजता कहीं मिलंग है। इसके बाद माघ के महीने में जाड़ा धीरे धीरे कम होने लगता है और हिंदू धर्म के विभिन्न पर्व त्यौहार इसमें आते हैं और जिसके कारण विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र और लोक गीत सुनाई देते हैं। इसके बाद बारहवा महीना है फागुन का महीना। लोया आ पहुंचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार। ये फागुन का अंतिम महीना बारहवा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवन के रस दिखाई देते हैं और यह रंगों का त्योहार है, जहाँ सभी छोटे बड़े, गरीब अमीर, सभी एक रंग में रंग करके एक जैसे दिखाई देते हैं। ये भाईचारे का त्योहार है। इस प्रकार हिंदी के बारहों महीने की बड़ी ही सुंदर व्याख्या इस कविता में की गई है। अब इसके बाद हम इसके पाठ के प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर एक है भारतीय महीनों के नाम। इस कविता में सभी महीनों के नाम दिए गए, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। इसमें सबसे पहला महीना है चैत का, दूसरा है बैसाख का, तीसरा है जेठ का, चौथा है आषाढ़ का, पांचवा है सावन का, छठा है भादों का, सातवां है क्वार का, आठवां है कार्तिक का, नौवां है अगहन, दसवां है पौष, ग्यारहवां है माघ और बारहवां महीना है फागुन। प्रश्न नंबर दो, वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है। प्रश्न का उत्तर है, वर्षा ऋतु में आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं, वर्षा होने से सभी जलाशय भर जाते हैं, पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, बादलों के छाने से सूर्य चंद्रमा तारे छिप जाते हैं, जिससे पृथ्वी घनघोर अंधकार में डूब जाती है। प्रश्न नंबर तीन, अगहन नाच क्यों नचा देता है। अगहन महीने में अधिक ठंड पड़ने के कारण जीवन कठिन हो जाता है तथा जल बर्फ के समान हो जाता है, जिससे अगहन का महीना नाच नचा देता है। इसके बाद प्रश्न नंबर चार, इस विकल्प वाले प्रश्न है जिसमें इसका उत्तर दिया गया है, सही विकल्प चुनना है। कौन से महीने में बच्चों की किलकारी से घर आंगन गूंजने लगता है। जिसका सही उत्तर है बैसाख। प्रश्न नंबर ख, रंगों के कारण जीवन कैसा लगता है। जिसका सही उत्तर है त्योहार। प्रश्न नंबर पांच, कविता के आधार पर लिखिए कि दी गई चीजें, गतिविधियां किस महीने में होती हैं। आंधी आती है आषाढ़ के महीने में, गर्म हवा चलती है चैत के महीने में, मदरसों की छुट्टी होती है बैसाख के महीने में, नदी सरोवर भर जाते हैं सावन के महीने में, जाड़ा आता है कार्तिक, पतंगे उड़ती हैं पौष के महीने में, तरह तरह के खेल खेले जाते हैं जेठ के महीने में। धन्यवाद। अब इसके बाद अगले पेज, पेज नंबर चार में गृह कार्य दिया गया है, जो आपको स्वयं से करने हैं। धन्यवाद।